हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो अगर देख ही लिया होगा जिसमें मैंने ब्लाउज की कटिंग आप लोगों के साथ में शेयर की थी, तो ये उस वीडियो का पार्ट टू है और इसमें मैं आप लोगों को उसी ब्लाउज का पूरा सिलाई सिखाऊंगी कि आपको किस तरीके से सिलना है, और बाकी जो भी थोड़ा बहुत नाप चोप रहेगा वो भी मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो में शेयर भी कर दूँगी। तो इस वीडियो को आप लोगों को एंड तक देखना है, तब जाके आप बहुत अच्छे से अपने ब्लाउज को सिल पाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी जो बाजू रहती है उसकी सिलाई कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपकी जो फीत रहती है आपकी साड़ी के साथ में आती ही है, तो उसको हम सबसे पहले सिल लेंगे अपनी बाजू के साथ में, जैसा कि आप अभी देख रहे हो वीडियो में, बिल्कुल इसी तरीके से। और आपको उल्टी साइड से ही लगाना है, जैसे सही सुई साइड, हाँ जैसे आप बोलते हो वैसे, ठीक है। और इसका ध्यान रखिए खास तौर पे, और इसी तरीके से आपको इसको लगाना है, चारों तरफ से आपको अपनी सिलाई लगानी है बाजू की जो आपकी रहेगी, ठीक है, अपनी इस पे फीत पे, ठीक है। इस तरीके से लगा दो और फिर हम इसके बाद में अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। तो अब हम अपना ब्लाउज ले रही है, पिछला हिस्सा रहता है उसको ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिया था कि 3.5 इंच पे और ये 6 का लगाएंगे हम टाका, क्योंकि 1 इंच हमारा उतलाई में जाएगा, तो इसलिए हमने इसको 6 का लिया है। तो 6 इंच पे इतना टांका लगेगा इस तरीके से, और इसको थोड़ा तीखा टांका लगाना होता है ताकि अच्छा शेप आए। और दोनों टांकों को सेम टू सेम ऐसे लगाना है, 3.5 इंच पे और पूरा 6 इंच का, ठीक है। और अब हम आगे का हिस्सा ले रहे हैं, दोनों टांकों को ऐसे लगा देंगे पीछे वाले में और अब हम आगे का हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। तो आगे वाले हिस्से में पहले निशान लगाना सीख लो, 3.5 पे आपको लगाना है 1 निशान और इसको आपको लगाना है 2.25 का, ठीक है, 2 इंच और मतलब 3 में से 15 कम, ठीक है। तो 3.25 होता है ना वो, उस तरीके से। और फिर बिल्कुल सेम टू सेम इस तरीके से आपको निशान लगाना है, सभी में आपको 1-1 इंच का गैप रख लेना है और थोड़ा तीखा रखो, मतलब साइड से रखो ढलता हुआ निशान, ठीक है। और पीछे की तरफ से आप इसी तरीके से जहाँ पे उनका डॉट आ रहा है ना वहाँ पे निशान लगा लो, ताकि आपको आसानी रहे, बार बार दोनों साइड में आपको निशान नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको इसकी सिलाई करनी है और सिलाई आपको उसी तरीके से तीखे तरीके से करनी है जिससे आपको अच्छा शेप मिलेगा, ठीक है। सो आप देख सकते हो इस तरीके से सिलाई करनी है आपको सभी की, दोनों साइड के जो आपके आगे का हिस्सा रहेगा, ठीक है, आपका तीरा जहाँ से बनेगा वहाँ से आपको सिलाई करनी है। और ये आपका सबसे पहला वाला जो है 3.25, हाँ 3.25 कितना होता है यार, मुझे खुद ये नहीं समझ में आ रहा है, मतलब 3.25 में मैं हमेशा यहाँ पे कंफ्यूज होती हूँ। लेकिन ये वो है कि भाई आपको 3 नहीं रखना है, 3 से पहले क्या आता है, 3.25 आता है या 2.25, वो वाला रखना है, ठीक है। 3 से बाद में आता है वो वाला नहीं रखना है, ठीक है। तो आपको 3 से पहले वाला रखना है और 3 से कम, ठीक है। और अब हम जो सेकंड वाला है इसको एकदम पतला टांका लगाएंगे, ये जो साइड वाला रहेगा आपका, ठीक है, ये आपके साइड वाला रहेगा जहाँ से बाजू वाला होता है ना, वहाँ साइड वाला, वो वाला टांका है ये। तो इसको एकदम पतला पतला टांका लगाएंगे और इसके बाद में हम लगाएंगे अपने जो गले की साइड में टांका रहेगा छोटा सा, वो लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये लगा देते हैं, फिर वो छोटा वाला टांका लगाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो छोटा वाला भी यहाँ लग गया है, इसको भी एकदम पतला लगाएंगे। और अब हम अपने जहाँ पे बाजू लगाते हैं, मोढ़ा बोलते हैं उसको, वहाँ पे टांका लगा देंगे एक, इसको भी एकदम पतला लगाना है, ठीक है। आपको मोटा टांका सिर्फ एक ही लगाना है, बाकी आपको पतले पल्ले लगाने, ठीक है। और इस तरीके से आपका तीरा बन के रेडी हो जाएगा। और हाँ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जिसमें आपको अपने जो पीछे का आपने तैयार किया था जिसमें टांके लगा दिए थे 6-6 इंच के, तो अब उसकी 1-1 इंच की उतलाई जो आपने ले रखी थी एक्स्ट्रा, वो वाली उतलाई करेंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से कर लो और फिर आपको इस पर टांका लगा देना है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख ही सकते हो, इस तरीके से आप लगाओ। अगर आप पहले ये टाका लगाओगे और फिर आप ये वाले जो रहता है ना आपका निशान लगाया हुआ होता, वो वाला टाका अगर बाद में लगाते हो 6 इंच वाला, तो ये थोड़ा सही नहीं रहता। तो इसलिए इसको पहले लगा लो और फिर बाद में आप अपनी जो है उतलाई कर लो, तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना टाका लगा ले रहे हैं। गाइज, अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आप अच्छे से ब्लाउज़ की सिलाई करना सीख लोगे, ठीक है।
और अगर आप लोगों को अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को मेक श्योर आप लाइक कर दें। थैंक यू सो मच, लाइक कर दिया है तो, अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, ठीक है। अब हम दोनों ब्लाउजेस को ले लेंगे, पहले सीधी साइड से देख लेंगे और फिर बाद में उल्टी साइड से इसको सिलाई करेंगे। लेकिन पहले आप गले की साइड से थोड़ा सा नीचे तक कट कर लीजिए, जिससे आपको पी वीडियो में जैसे आपने देखा ना वैसे आप कट कर लीजिए, जिससे आपका जो गले का हाथ से वो गिरता है ना वो गिरेगा नहीं, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे मैंने अभी कट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से, और थोड़ा आप गले की साइड में ज़्यादा नीचे तक टांका लगाओ, है ना, समझ पा रहे होगे आई थिंक आप, जैसे आप देख रहे हो ना अभी, बिल्कुल ऐसे ही लगाना है आपको। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी बिल्कुल, एंड आप लोग मुझे अच्छे से पूछ ही सकते हो। सो अब हम यहाँ पे जहाँ पे आप बेल्ट लगाएंगे ना, वहाँ पे जहाँ से तीरा, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा कट कर देंगे, जिससे आपका ब्लाउज बहुत फिटिंग में आता है, ठीक है, एकदम तीखा सा। और अब हम बेल्ट लगा देते हैं। तो बेल्ट लगाने के लिए आपको जो पहले से आपने बना के रखा बेल्ट उसको एकदम साइड से देखो कि जिस साइड से वो ऊपर की तरफ होगा ना, उस साइड से आपको अपने गले की साइड लगाना है, ठीक है, और जो दूसरी साइड से नीचा होगा वो दूसरी साइड लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बेल्ट लगा लेना है। तो हमने यहाँ पे दोनों साइड के बेल्ट लगा दिए हैं, आप लोग देख ही सकते हो। तो अब हम अपने बाजू को लगाने की तैयारी कर लेते हैं। तो बाजू में आप जो, आपको पता ही चलता होगा कि उल्टा सुलटा कौन सा है, तो आप देख लेंगे और उसके बाद में हम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो बाजू को हमेशा नीचे की तरफ रखें और अपने मशीन पे इस तरीके से रख दो, ठीक है, बराबर से करके और रखो, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसे रख दे रहे हैं और या सिलाई करो स्टार्ट, और नीचे से बाजू को थोड़ा थोड़ा खींचते रहो और चलाते रहो मशीन को, और धीरे धीरे से यहाँ पे सिलाई करो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप ज़्यादा स्पीड से करोगे। तो आप धीरे धीरे से चलाते रहो मशीन को और धीरे धीरे से जॉइंट करते रहो, बट बाजू को थोड़ा थोड़ा खींचते रहो, जिससे उसका ज़्यादा अच्छा शेप आता है और वो ज़्यादा फिटिंग में अच्छा दिखता है, सिलाई में अच्छी आती है उसकी, ठीक है। तो हम इसी तरीके से सारा सिलाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कम्प्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है अपना बाजू लगा के। अब हम साइड वाले टांके लगा देते हैं ब्लाउज़ को पूरा जॉइंट करने के लिए, क्योंकि हम जो बेल्ट को है बाद में उतलेंगे, अभी पहले हम ये टांका लगाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये टांका लग गया है, और इस तरफ से भी मैंने नहीं लगाया अभी तक, तो ये भी लगा देती हूँ। सो यहाँ पे हमने दोनों तरफ के टांके लगा दिए हैं, आप देख ही सकते हैं। तो अब हम लगाएंगे अपने हुक और बोनाक की बनाते हैं, तो उसके लिए, ठीक है। सो इनको पहले से बराबर से कर लीजिए। इसका कपड़ा भी आपको जहाँ जिसमें से आपने अस्तर निकाला होता है ना, तो उसमें आपको ये मिल जाता है, तो वहाँ से निकाल लीजिए और इसको बराबर से नाप के, और दो दो इंच का आपको कपड़ा निकाल लेना है, ठीक है। अब ये हम लेंगे, इसने सबसे पहले हम हुक वाली साइड का बना रहे हैं, तो इस हिसाब से हुक वाली साइड में आपको इसको ऊपर की तरफ रखना है, और जिस साइड में हम नाखी बनाएंगे उस साइड हम इसको नीचे की तरफ रखेंगे, ठीक है। तो इसमें ऊपर की तरफ रख के फिर इस तरीके से टाके लगा देने हैं। और इसको घुमा के और फिर अंदर की साइड में हम टाके लगा देंगे, पर इसमें दो नहीं लगाना है, इसमें सिर्फ एक ही टांगा लगाना है, दो नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि दो हम जिसमें नाखी लगाते हैं ना उसमें लगाते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम नाखी वाला साइड बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए आपको इसको नीचे की साइड रखना होगा, ठीक है। पहले इस तरीके से फोल्ड करो, और अब आप इसको नीचे की तरफ रख लो, ठीक है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो, इस तरीके से रखेंगे। और अब इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, ठीक है। उसको हमने नीचे की तरफ फोल्ड किया था, इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, ठीक है। इसमें पहले कोने पे टांका देना है, ओके, ये देखिए इस तरीके से। सो अब इसको इस तरीके से घुमा के और पूरा कोने पे एक एक टांका लगाएंगे,
तो यहाँ पे कोने पे टाका लगाने के बाद में हम पूरा जो साइड वाला एक टाका और बचा है उसको भी कंप्लीट करके और अपना कंप्लीट कर लेंगे। हुक और नाकी लगाने का हिस्सा जो होता है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा यहाँ पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे अपना जो बेल्ट काटा था ना, बेल्ट लगाया था ना, तो उसकी उतलाई स्टार्ट कर दी है पहले मैंने। तो यहाँ पे बेल्ट की उतलाई कर रही हूँ मैं, एकदम बराबर नाप से देख लो और यहाँ पे उतलाई कर दो। इसको अगर पहले कर देते तो आप जब हुक नाकी वाला लगाते तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, तो इसलिए आपको इससे पहले नहीं लगाना है, इसको बाद में ही लगाना है, ठीक है? जो आपका बेल्ट वाला उतलाई होता है ना वो बाद में करना है। सो इस तरीके से हमने दोनों साइड में ये लगा दी है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो मैंने दोनों साइड से अच्छे से पकड़ के और अच्छे से एकदम पूरा बराबर बराबर कोशिश करके और अच्छे से सिल दिया है, ठीक है? और यहाँ पे हमारा मतलब ब्लाउज़ काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है और यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लाउज़ हो चुका है। और अब हम इसका गले के लिए वो बनाएंगे पट्टी। तो इसके लिए एक एक इंच की हमें पट्टी निकालनी है, तो इसको इस तरीके से कट करते जाएंगे, ठीक है? एक एक इंच का हमें निशान लगाना है और ज़्यादा बड़ा कपड़ा हो तो ज़्यादा बेस्ट रहता, लेकिन मेरे पास में इतना ही बचा था तो मैं इतने से ही बना रही हूँ, ठीक है? एक एक इंच का आपको लेना है। अब इसको कट कर लेंगे, ठीक है? इस तरीके से कट करना है आपको। पहले निशान लगा लो अच्छे से, एक एक इंच का लगाना है और लंबा और तिरछा लगाना है आपको निशान। सीधा सीधा निशान नहीं लगाना, तिरछा निशान लगाना है, क्योंकि अगर सीधा लगाना हो तो सीधे कपड़े को काट सकते थे, लेकिन तिरछा अच्छा रहता है और अच्छा शेप आता है गले का। अब हम इसको काट लेते हैं अच्छे से, एकदम जैसे जैसे निशान हमने लगाया वैसे वैसे काट लेंगे इसको। अब इनको आरडी टाइप से सेट करना है और इनको सिल लेना है, ठीक है? जैसे एक को ऊपर दूसरे को जॉइंट करना है और जैसे उसका साइज होता है ना उसको मिक्स मैच करके और फिर लगाना होता है, ठीक है? जिस साइड से वो खुद है ना उसी साइड से नहीं लगाना, उसको मोड़ के दूसरी साइड से घुमा के लगाना होता है। और इस तरीके से हम अपनी पूरी जो हमारी रहेगी गले की डोरी हमारी यहाँ पे रेडी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको लगाना। तो नीचे की तरफ में मैंने रखी है अपनी डोरी को, दो दो मतलब उसको घुमा के रखा है दो लड़ा करके, और इस तरीके से लगा देंगे पूरे ब्लाउज में हम। यहाँ पे हमारा कंप्लीट लग चुका है, तो अब हम इसको घुमा के और पूरा फिनिशिंग वाला सेप देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप चाहें तो आप थोड़ा सा बाहर की तरफ भी दिखा सकते हैं, आप चाहें तो पूरा उसको उथल भी सकते हैं, ठीक है? तो मैं इस तरीके से इसको कर ले रही हूँ और अब हम टाका दे देंगे इसको, ऊपर भी लगा देंगे और देख घुमाते जाएंगे और मशीन को चलाते जाएंगे, ठीक है? इस तरीके से हम अपना डोरी लगा देंगे ब्लाउज़ पे और यहाँ पे हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगा। और इसका जो वो पूरा बनने के बाद में कैसा दिख रहा है तो ये अब आप अभी देख पाएंगे। और ये मेरा आज का वीडियो था, अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। बाय।